नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। जातीय आधारित जनगणना को लेकर बिहार में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, लगातार पिछले कई दिनों से ये मसला चल रहा था। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और साथ ही साथ बिहार का पूरा विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार किन एजेंडों के साथ बीजेपी के साथ है, समझ नहीं आता है। आपको बता दें, लगातार जातीय जनगणना को लेकर भाजपा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर आज हमने बातचीत की उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें अभी भी आशा है कि जाति आधारित जनगणना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो सुनिए, क्या कुछ कहा है उन्होंने। जाति आधारित जनगणना को लेकर जेडीयू में सबसे मुखर नेता के तौर पर आप सबसे मुखर रहे इस मुद्दे को लेकर। अब तकरीबन ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि नहीं होने जा रही है। नहीं, अभी तकरीबन शब्द जब तक जुड़ा हुआ है तब तक यह मान लेना कि नहीं हुआ, यह उचित नहीं है। अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि होगा और हर तरह से हमारा तो कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। विशेष माझी ने कहा है कि जिसको पीछे हटना है वो हटे, लेकिन हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर मांग करते रहेंगे। लेकिन अब माझी जी के बारे में हमने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, स्टेटमेंट देखने के बाद ही कुछ बता पाए। बड़ी नाराजगी है सर विशेष दर्जे को लेकर। आप लोगों ने तो कह दिया कि हम मांग ही नहीं करेंगे, थक गए। आपके अंदर नाराजगी है तो देखा आपने उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से जाति आधारित जनगणना को लेकर बातें कही हैं और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जीतन राम मांझी के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमने उनके बयानों को नहीं पढ़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से जब बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है, ऐसी स्थिति में जदयू की तरफ से सबसे मुखर होकर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें उठाई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का मुद्दा हो या जाति आधारित जनगणना हो, तमाम मुद्दे को लेकर वह जदयू का अपना पक्ष रख रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने आज पार्टी कार्यालय में, पटना के जदयू कार्यालय में पहुंचे थे और सीधे तौर पर जाति आधारित जनगणना पर उन्हें अभी भी आशा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी जो आशा है, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हलफनामा दायर किया है तो क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।